नमस्कार दोस्तों, विनीत एक्जॉटिक बर्ड में आपका स्वागत है। हमने जो चार काकाटेल लाए थे उनके लिए जो केज बनाया था वो 4x6x8 का था, लेकिन वो 4 के अभी 8 हो गए और 2 छोटे बच्चे भी है, कुल मिला के मतलब 10 हो गए। इसलिए उनको जो केज है 4x8 का वो छोटा पड़ रहा था, इसलिए हमने सोचा कि उनके लिए बड़ा कॉलोनी बना के उनको बड़े कॉलोनी में छोड़ा जाए। इसलिए आज सब बर्ड को पकड़ के बड़े कॉलोनी में छोड़ेंगे। जो हमने केज बनाया था नया वाला वो ये इस तरह से है, ये मतलब 12 फुट बाय 6 फुट और हाइट इसकी 8 फुट के करीब करीब है। इसलिए हम आज टोटल बर्ड को जो आठ हो काकाटेल बड़े हैं और 2 छोटे हैं, उनको सबको पकड़ के आज छोड़ेंगे। तो चलो, हमने बर्ड को पकड़ लिया और नए कॉलोनी में छोड़ेंगे। चलो एक एक करके निकालेंगे और ओपन करेंगे उनको बड़े केज में। देखो फ्लाई बड़ा केज मिल गया है उनको, इसलिए फ्लाइंग का भी मज़ा आ रहा है। हम जैसा सोच रहे थे उनको उड़ने के लिए अच्छी जगह हो, फ्लाई करने के लिए लंबा डिस्टेंस हो, सही लग रहा है। ये देखो तीसरा भी निकल गया है, तीसरा भी निकल गया और 5 निकलने वाले हैं। ये निकल रहा है, मेरा लड़का है, ज़्यादा बर्ड का शौक है, खास तौर से काकाटेल का। पाँच में चले शायद ये हाथ से निकाल पकड़ के निकालने वाला है, पकड़ने की कोशिश की है। पकड़ लिया है इसको, ये छोड़ दिया। बच्चे को भी पकड़ लिया, उसको भी छोड़ रहा है। तो इस तरह से हमने पूरे बर्ड को छोटे केज से निकाल के बड़े केज में फ्लाई करने की कोशिश की। अभी फिलहाल में यही केज में 8 बर्ड को ही छोड़ेंगे। 2 केज में थोड़ा दो जो बर्ड हैं उनको अलग रखेंगे, थोड़ा जब तक बड़े नहीं होते तब तक उसको छोटे से पिंजरे में रख के बड़ा करेंगे और फिर छोड़ेंगे। इसमें शायद नया अगर कुछ देख रहे हो, काफ़ी लंबा चौड़ा है, देखेंगे इसमें क्या प्रोग्रेस करके क्या नहीं। छोटे केज में तो उन्होंने 4 बार के 10 तो हो ही गए, अभी इसमें देखेंगे और जो कुछ प्रोग्रेस होगा वो तो आपको अपडेट मिलता ही रहेगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो आपको मिलता रहे। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ।